नमस्कार मित्रों, आरोग्य यात्रा ની ઝૂમ મીટિંગ માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મારો અવાજ સંભળાય છે? વિડિયો ઓન કરીને હાથ હલાવો તો ખ્યાલ આવે. ઓકે, हम यहाँ योगाहार पे बात करते हैं. योगाहार का मतलब है आहार का योग. योग हर कर्म में, हर काम में योग शामिल है. और योग की व्याख्या भगवान ने वैसे ही की है. भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही बात बताई है कि आप जो भी कर्म करते हो उसको कुशलता पूर्वक करो, यानी कि योगः कर्मसु कौशलम्. आप कंप्यूटर चलाते हो तो इसको अच्छी तरह चलाइए, आप टीचर है तो अच्छी तरह पढ़ाइए, आप रसोई कर रहे हो तो इसको अच्छी तरह बनाइए, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो सब में कुशलता प्राप्त करनी है, अच्छी तरह काम करना है, वही योग है. तो हमको जो खाना है उसमें भी कुशलता प्राप्त करनी है. हमारे आहार में हमको वो नॉलेज लेना है कि भाई हम जो चीज खाते हैं क्यों खाते हैं, कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कौन से खुराक से शरीर में क्या होता है, शरीर को मेंटेनेंस के लिए कौन से खुराक की आवश्यकता है, शरीर को ताकत के लिए, कैलोरी के लिए कौन से खुराक में से कैलोरी मिलेगी, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए. और यही बात हम आप लोगों को समझाते रहते हैं. हम ऐसा नहीं मानते हैं कि आप अपनी छोटी छोटी बातों के लिए हमारा संपर्क करें, हमारे पास आए. जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो मैथ्स बनाने वाला जो टीचर होता है वो आपको अंक गणित सिखा लेता है कि भाई गुणा कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, तो प्लस माइनस कैसे करना है अंक का, वो सब आपको सिखा दिया. फिर वही नॉलेज आप पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते हो. फिर आप हर रोज हर बार आपकी गणित के सवाल लेके आपके टीचर के पास नहीं जाते हो. तो जिस तरह हमने प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई करके बेसिक नॉलेज ले लिया है, थोड़ा सा साइंस का नॉलेज ले लिया है, थोड़ा मैथ्स का ले लिया है, तो विज्ञान और गणित ये दोनों विषय हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है. इसी तरह आपको आहार का नॉलेज, आहार का ज्ञान भी आपको होना चाहिए. तो हम यहाँ जो बातें बताते हैं वो आपको कहीं कोई स्कूल में पढ़ाई में नहीं मिलती है, कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताते हैं. सब जो चीज है आहार के बारे में वो हम यहाँ आपको सिखाते हैं, वो आपको दूसरी कहीं जगह नहीं मिलती है. तो छोटी बातें आपको याद रखनी है. आपको दोबारा रिपीट करूंगा, मैं यहाँ एक चित्र में बताता हूं आपको. तो ये जो चित्र है क्या बताता है, कि बीमारी क्यों आती है? तो आप जो खुराक खाते हो वो शरीर में जाता है, अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता. चबा चबा के खाते हो तो, अगर चबा के नहीं खाते हो तो आंतों में ही रुक जाता है, सड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती है. जो खुराक डाइजेस्ट होके आपके आंतों में चला जाता है, आपके खून में चला जाता है, आपके खून में गया हुआ खुराक या तो शरीर में ताकत में खर्च हो जाता है
या तो शरीर के मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है। मान लो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गया खुराक, खून में गया और आपने मेहनत नहीं की, तो वो खुराक खून में जाके खर्च नहीं होगा, तो वो कचरे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कचरा वाला खून आपके शरीर में घूमता है, वो कचरा जहाँ इकट्ठा होता है जो जिस ऑर्गेन में, वैसी आपके शरीर में बीमारी आती है। जैसे कि आपकी गुर्दे यानी किडनी में कचरा इकट्ठा होगा तो किडनी में स्टोन बनेगा, आपके हृदय में कचरा इकट्ठा होगा तो ब्लॉकेज बनेंगे, हार्ट अटैक आएगा, आपके लीवर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो फैटी लीवर बन जाएगा, आपके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो डायबिटीज की रोग बीमारी आएगी, और वो कचरा चर्बी में कन्वर्ट होके आपकी चमड़ी के नीचे जमा होने लगेगा, तो आपका बॉडी गेन करने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा। तो ये सारी समस्याएं, ये सारी बीमारियां मूल इसके कारण है कि आप जो खाते हो इतना मेहनत नहीं करते हो, खर्च नहीं करते हो, शरीर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो शरीर में जब बीमारी आ जाती है तो आपको मानना ही है शरीर में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, शरीर में कचरा इकट्ठा हो गया है, उसको निकालना है। तो आंतों की सफाई के लिए एनिमा सबसे बढ़िया है, जो लोग बीमार है वो एनिमा का ही प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया है। एनिमा नहीं कर सकते हैं तो त्रिफला का यूज किया करो, त्रिफला की गोली आती है, पाउडर फॉर्म आता है, और आंतों की अच्छी सफाई के लिए मल शुद्धि पाउडर भी आता है, जिसको हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करके आपकी आंतों की सफाई करो। आपके खून में खून की सफाई करने के लिए आपको पसीना निकालना पड़ेगा, मजदूरी करके पसीना निकालना पड़ेगा। मजदूरी नहीं करते हैं, पसीना नहीं निकालते हैं, तो उपवास करके सफाई करनी पड़ेगी, या तो आपको खाना ऐसा चेंज करना पड़ेगा वो कचरे को तोड़ के निकाल सके, जैसे कि खट्टे फल। तो खून की सफाई के लिए ये है। ऑर्गेन में जो कचरा जमा हुआ है, हर ऑर्गेन में अलग अलग कचरा के कारण जो बीमारी आई है, उसको तोड़ने का काम खट्टे फल करेंगे। तो खट्टा फल हमारे शरीर में बॉडी डिटॉक्स करने का काम करते हैं अच्छी तरह। तो ये सफाई की बात हो गई। शरीर में कितने टाइप का खुराक चाहिए, तो एक तो शक्ति वाला चाहिए, न्यूट्रिशन वाला चाहिए, पोषक तत्व वाला चाहिए, आपके शरीर का खून नया बने इसके लिए नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ाए इसके लिए खुराक चाहिए, और अल्कलाइन खुराक चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन खुराक नहीं खाओगे, एसिड खाओगे तो यहाँ चित्र में दिख रहे हो ऐसे मोटे हो जाओगे। तो आपका जो खुराक है उसकी क्वालिटी क्या है वो भी आपको याद रहनी चाहिए। हरी पत्ती आपके शरीर के लिए 2 चीज देती है, एक तो उसका हरा रंग जो है उसको क्लोरोफिल हम बोलते हैं, जो क्लोरोफिल शरीर में जाके नेचुरल हीमोग्लोबिन बनता है लाल रंग का, जो हमारे शरीर के 5 तत्वों को मैनेजमेंट का काम करती है। हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, तो वो आप खाते रहिए। और जो स्वाद है वो स्वाद का भी अपना काम है। स्वाद क्या काम करते हैं, तो मीठा स्वाद शरीर में कैलोरी देता है, ज्यादा मीठा खाओगे तो कफ बढ़ेगा, वजन बढ़ाएगा। खट्टा क्या करता है, तो वो ताकत भी नहीं देता है, रिपेयरिंग काम भी नहीं करता, न्यूट्रिशन भी नहीं देता है, उसका काम है सफाई, बॉडी को डिटॉक्स करना। तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टा खाते हैं तो उनको वायु प्रकृति खून में बढ़ जाती है, सूजन आती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तीखा क्या करता है, तो तीखा सिर्फ मुंह में पानी लाता है और ज्यादा खाने से पित्त बढ़ाता है। तो जो लोग एसिडिटी वाले हैं उन लोगों को तीखा खट्टा नहीं खाना चाहिए, जो लोग कमजोर है अशक्ति है उन लोगों को मीठे ज्यादा खाने चाहिए, उन लोगों को खट्टे ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि शरीर में ताकत नहीं मिलेगी खट्टे से। कड़वा तभी खाना है जब आपके खून में वायरल लोड बढ़ गया हो, वायरस ज्यादा बढ़ गए हो। तो ये सारे स्वाद भी आपको याद रखने चाहिए। और लास्ट में हमारे शरीर के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो जो लोग बीमार है सुबह में मल त्याग करे फिर एनिमा ले, बीमार नहीं है तो एनिमा नहीं लो तो चलेगा, त्रिफला या मलशुद्धि का प्रयोग किया करो आंतों की सफाई के लिए। सुबह में योगा न करे
तो दोपहर तक उपवास करो, योगा करते हो तो ही सुबह में नाश्ता करने की छूट है। बारिश की मौसम में तो वैसे भी, हाँ ठंडी की मौसम में 3 बार खाने की छूट है, गर्मी में 2 बार खाने की छूट है, और बारिश में तो 1 ही बार खाने की छूट है। तो ज्यादा मत खाइए, 1 बार जो खा रहे हो इसमें आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, हरी पत्ती खाइए, आधा से कम पकाया खाओ। बारिश के मौसम में कच्चे चीज खाने से गैस बनने की समस्या बढ़ती है किसी लोगों को, तो वो लोग कच्चे में कच्चे के साथ ड्राई सूखे नाश्ते भी साथ में खा सकते हैं। पकाया हो सके इतना कम खाइए, और बारिश के मौसम में जो कठोर यानी कि दालें हैं जो प्रोटीन युक्त है वो पका के कम खानी चाहिए। बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। तो आपको ये 5 प्रतिज्ञा याद रखनी है, सुबह में योगा नहीं तो सुबह का नाश्ता नहीं, योगाहारी बनो चबा चबा के ही खाओ, भूख नहीं है तो भोजन करो मत करो, प्यास नहीं है तो पानी मत पियो, हरी पत्ती हर रोज रस या चटनी या तो सूखे पाउडर या तो उसकी गोलियां हर रोज खाते रहिए, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ। वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा, वो भी आपको प्रतिज्ञा रखनी है। और लास्ट प्रतिज्ञा 5वीं, बीमार रह के और व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे मैं बोझ नहीं बनूंगा। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है, बस ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है, उसको अमल में लाना है, प्रयोग करना है। और हम तो बार बार बोलते हैं कि चबा चबा के खाने वाले लोग बीमार होते ही नहीं है, उन लोगों को कच्चा भी ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं रहती। चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट में दूध चाय कॉफी मत खाइए, दही मक्खन आप बीमार नहीं है तो खा सकते हो, बीमार है तो उसको भी मत खाइए, अनाज में लिटिल मिलेट ज्यादा खाइए, जो लोग मजदूरी नहीं करते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं वो लोग गेहूं चावल खा सकते हैं, मकई खा सकते हैं, क्योंकि वो मजदूरों के लिए है, शक्ति वाला खुराक है, ये ध्यान रहे। स्वाद में ध्यान रखिए, तो हर रोज आप क्या करते हो, क्या खाते हो, किस तरह खाते हो, कितनी जरूरत है, हाँ हम सबका हिसाब रखते हैं, पैसे में सबका हिसाब रखते हैं, तो शरीर के खाने का भी हिसाब रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप ध्यान नहीं रख पाते हो, रख पाते हो तो छोटी सा नियम याद रखिए कि जब भी खाए चबा चबा के खाए, प्यास लगे तभी पानी पिए, प्यास नहीं लगती है तो मत पियो पानी, भूख लगे तभी खाइए, जो भी खाइए अल्कलाइन ज्यादा खाइए, हो सकते हैं तो फल कंदमूल अनाज दाल जो भी खाना है तो उसको अंकुरित करके खाइए, पका के मत खाइए। जितना खुराक गर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो शरीर को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और मान लो आप इतना ज्यादा सब ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आपको एक काम बार बार करते रहना है, वो है आपके लीवर की क्लिंजिंग। हमारे शरीर में सबसे कोई काम की चीज है तो वो है लीवर क्लिंजिंग। लीवर लीवर क्लिंजिंग किट हमारे गांधीनगर और अहमदाबाद सेंटर पे उपलब्ध है, जिसको चाहिए व्हाट्सएप करके हमके पास मंगवा ले। मेरा 299 नंबर का जो वीडियो है लीवर क्लिंजिंग का, वो एक बार देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। लीवर क्लिंजिंग करने से हमारे लीवर में जो इकट्ठा होने वाला क्षार, जिसकी जो पथरिया बनती है, और हमारे लीवर में इकट्ठे होने वाले चर्बी जो शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाती है वो लीवर में इकट्ठा होती है, तो वो दोनों चीज जो लीवर में गड्ढे के रूप में इकट्ठा हो जाती है, तो हमारा लीवर एक बैटरी जैसा है और बैटरी की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, वो रिचार्ज नहीं होती है, चार्ज नहीं होती है, डिस्चार्ज नहीं होती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, तो उसको क्लिंजिंग करते रहिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो जो लोग डाइट सिस्टम पे ध्यान नहीं रख पाते हैं, खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को
साल में एक बार दो बार लीवर क्लींजिंग का प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे शरीर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चबा के खाने की आदत और लीवर क्लींजिंग और हरी पत्ती, ये तीन चीज आप ध्यान रखिए तो मैं मानता हूँ आपके शरीर में आपको समस्याएं बहुत कम आएगी। और मैं बार बार कहता हूँ, बीमार पड़ना सबसे बड़ा गुनाह है और दवाई खा के जीना सबसे बड़ी सजा है। ये बात याद रखिए आप। तो आपको ये बात बार बार याद करे बोलिए कि मैं बीमार ही सबसे बड़ा गुनाह है और दवाई खाना सबसे बड़ी सजा है। ये बार बार आप याद करोगे, बोलते रहोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बीमार पड़ने से रोकेगा, आपको रिमाइंड करता रहेगा कि भाई आपकी हेल्थ के लिए आपको ये तो करना ही है। योगा करिए, एक्सरसाइज करते रहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अकेले योगा और अकेला एक्सरसाइज के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आहार भी इतना ही जरूरी है। समझ पूर्वक आहार खाना, आहार का प्रयोग करना, आहार का खाने का तरीका, ये सब आपको आना ही चाहिए और इसका प्रयोग करना ही चाहिए। तो स्कूल कॉलेज में हम सब कुछ सीख लेते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, करियर कैसे बना सकते हैं, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज आपको शरीर कैसे ठीक रखना है वो कहीं नहीं सिखाता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा गंभीर बनिए, और आपके लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो यहाँ आपको समय निकाल के आप लोगों के साथ बातें करते रहते हैं, आपको समझ देते रहते हैं। हम एक नए पैसे की फीस आपके पास से नहीं लेते, फ्री है, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं कि ज्ञान मुक्त में ही मिलना चाहिए। हमारी योगाहार की पूरी बुक आपको पढ़नी है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, और बुक लिख के व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कृपया अपना मोबाइल ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और हाथ हिलाइए, तो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूँगा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। एलोपैथी और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ है उसका सहारा आप ले सकते हो, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए आप उसके ऊपर भरोसा करोगे तो पछताओगे। आहार से जब काम हो सकता है तो दवाई के ऊपर जाके शरीर में दूसरी सी समस्याएं खड़ी करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। टेम्पररी राहत के लिए जरूरी हो तो ले लो, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए नहीं रहना चाहिए। जो लोग हाथ हिलाएंगे उसका, ये चंद्र राम जी है, अनम्यूट में करता हूँ। हेतल कोटरिया है, फिर वो बोले, काव्या है वो बोले, बार बार दोबारा बोले, भावना बेन और सादड़िया रिंकल और डोगरिया। हेलो। हाँ जी बोलो। जी, मेरे क्या सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस क्या बीमारी कौन सी? अच्छा, है, सिलिकोसिस। वो फेफड़ों में जो पत्थर के रजकण जम जाते हैं वो। हाँ, वो अभी मैं हाँ 4 महीने से उपवास कर रहा हूँ, जी, 4 महीने से कच्चे पर हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वजन भी बहुत गिर गया है। अच्छा, तो हाँ जी, फेफड़ों में जो पत्थर के जो रजकण अंदर घुस गए हैं हाँ उसको, ये जब तक नहीं निकलते आपके फेफड़े अच्छी तरह काम नहीं कर पाते हैं, पाते। तो आपको योग के अंदर भस्त्रिका प्राणायाम जो आता है वो हाँ जी, भस्त्रिका प्राणायाम उधिलखंड थोड़ा ज्यादा किया करो। दूसरे लोग आवाज मत करे, मैं दोबारा सब लोगों को म्यूट कर लेता हूँ। मैं फिर एक एक करके ही अनम्यूट करूँगा, क्योंकि बीच बीच में डिस्टरबेंस बहुत आ जाता है। तो चंदा राम जी,
आपको क्या करना है कि आपको भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करना है। हाँ जी भस्त्रिका पता है आपको योग में? ताकत से हाँ, हवाई बच्चे का बाहर का फेंकना है, ताकत से अंदर लेना है, ताकत से हाँ बाहर ताकत निकलना। से हाँ जी साथ साथ में आप हरी पत्ती और लिटिल मिलेट दही के साथ ये हाँ दोनों जी का प्रयोग ज्यादा किया करो, हाँ जी क्योंकि फेफड़ों को ठीक करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हरी पत्ती और दही के बैक्टीरिया आपके विटामिन बना के देंगे, तो इससे आपको जी फायदा हो सकता है धीरे धीरे करके। और रही हाँ बात जी फेफड़ों की, तो हमारे शरीर में कई ऑर्गेन ऐसे होते हैं जैसे मगज है, फेफड़े हैं, किडनी है, तो ये तीन ऐसे अंग है, ऑर्गेन है, जिसकी रिसाइकल प्रोसेस यानी कि नए नए टिश्यू, नए सेल बन के ऑर्गेन को नए तरह से बनाने की जो टाइमिंग होती है वो बहुत लंबा पीरियड लेती है। हाँ जी आपके मुंह में, मान लो आपके दांतों के बीच में आपकी मुंह की चमड़ी आ जाए और कट गई, तो हाँ वो चमड़ी 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, इतनी फास्ट रिकवरी आ जाती है। हाँ लेकिन किडनी डैमेज हो गई, मगज डैमेज हो गया और फेफड़े डैमेज हो गए, तो उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और लंबे टाइम तक आपको योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ साथ में हाँ डाइट जी पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ डाइट में क्या लें डाइट में आप हरी पत्ती भी ले और अनाज अनाज में छोटे दाने वाले जो राजगीरा है, मुरैया है, सामा है, ऐसे छोटे दाने वाले अनाज को दोपहर को पकाइए, इसमें ठंडा होने के बाद दही डालिए और उसको हिला के छोड़ के रखिए और शाम को उसको खाइए, तो इससे आपके हाँ शरीर में विटामिन्स बनेंगे। हरी पत्ती भी चटनियों के साथ खाइए। अभी बारिश के मौसम में आपको ऐसा लगता है गैस होने की समस्या है, तो उसका पाउडर पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए। और कैक्टस जो हाथला थोर आता है, कैक्टस का फल आता है जिसको फिनला बोलते हैं, वो भी आप साथ में लिया करो, तो धीरे 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 करके आपके फेफड़ों में रिकवरी आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा क्योंकि वो बहुत लंबे समय पे फेफड़ों के टिश्यू नए बनते हैं, और पहले तो हाँ जी आपके फेफड़ों में जो कचरा स्टोन का पहुंच गया है उसको ताकत देके निकालने का प्रयोग जो भस्त्रिका में बोल रहा हूँ योग में, वो आप थोड़ा ज्यादा किया कीजिए, तो जी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा, तभी आप धीरे धीरे ठीक होंगे। अच्छा, आपको एनर्जी के लिए आपको खजूर जैसी चीजें, अशक्ति लगती है जी तो खजूर या तो शहद आप थोड़े थोड़े टाइम पे मुंह में रख के थोड़ा थोड़ा चूसते रहिए, तो हाँ इससे जी आपको ताकत मिलती रहेगी। ठीक है, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं भिगो के खाना है, भिगो के ले सकते हो, लेकिन उसको भिगो के खाना है, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स जैसे हैवी हैवी ताकत वाली चीजें मत खाइए। जी आप गुड़ खाओ, इससे अच्छा है गन्ने का रस पियो, क्योंकि गन्ने का रस आपको जल्दी ताकत देगा गुड़ के हिसाब से। तो ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो इसमें चर्बी होती है, और चर्बी को शरीर में कैलोरी में कन्वर्ट करने में शरीर को ज्यादा मेहनत पहुंचती है। ठीक है, तो आप गुड़ मूंगफली गुड़ या तो खजूर जैसी चीजें चूसते रहिए चॉकलेट की तरह, वो आपके लिए अच्छा और बढ़िया रहेगा, क्योंकि शरीर को थोड़ी एनर्जी जल्दी मिल जाएगी इससे। ठीक है, अच्छा हमारे मूंगफली पास ले अभी सकते टाइम, हैं बोलिए। मूंगफली 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 भिगो के खा सकते हो आप। ठीक हाँ जी है, और वजन बढ़ाने के क्या करें, वजन नहीं बढ़ अभी रहा है। अभी अभी वजन तो पहले आप शरीर को ठीक कीजिए, वजन तो बाद की बात है, आपके फेफड़े हाँ ठीक होंगे जी तभी वजन बढ़ पाएगा। हाँ जी हाँ जी लेकिन आपको अशक्ति ना रहे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुंह में खजूर जी जैसी चीजें, शहद जैसी चीजें मुंह में घुमाइए हाँ और जी थोड़ा थोड़ा चूसते रहिए, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक जी है, अच्छा, रिंकल बैन, काव्या बैन, सर बोलो डॉक्टर सर अलका बैन। ड्राई फ्रूट
પેટની ચરબી બહુ વધી ગઈ છે એના માટે શું કરવું? એમ ચરબીને તોડવાનું કામ કરવું પડે બેન. ચરબીને તોડવાનું કામ ખટાશ કરે લીંબુ છે, પાઇનેપલ છે, સંતરા મોસંબી, જો ખાટી ચીજો છે, એપલ વિનેગર, એ સૌથી ઉત્તમ વસ્તુઓ છે. તો ચરબી ખાવાની બંધ કરો અને સામે ચરબી તોડવાનું કામ ચાલુ કરો. એપલ વિનેગર 2 ચમચી 2-3 દિવસમાં 2-3 વાર પીવાથી શરીરની ચરબી તૂટી અને વજન ઓછું થવાનું ચાલુ થશે. થોડી વાર બેસી રહેવાથી એમની ચેતાઓ ને જે મસલ્સ જે છે એ મસલ્સ વીક હોય એટલે આવી સમસ્યા થાય. એમને કહો થોડી એક્સરસાઇઝ, થોડી યોગા એક્સરસાઇઝ કરવાની રાખે, ડાયટમાં ચાવી ચાવીને ખાવાનું રાખે. ગ્રીન અત્યારે પાંદરાથી ગેસ થતો હોય તો ગ્રીન પાવડર અથવા એની ગોળીઓ આવે છે, સરગવાના પાનની ગોળીઓ, એ પીવાની રાખે. અને હિમોગ્લોબિન જો, અને વિટામિન્સ માટે દહીં, દૂધ, ચા, કોફી બંધ કરો અને લિટલ મિલેટ સાથે દહીં ખાવાનું રાખો. વિટામિન્સના અભાવથી પણ આવી સમસ્યાઓ આવે. તમારે એરંડિયું એટલે દિવેલનું તેલ લેવાનું અને રૂનું કુમળું એ તેલ વાળું કરવાનું, રાત્રે સુવાના ટાઈમે મરમાર્ગે અંદર સરકાવી દેવાનું. બીજા દિવસ સવારે જયારે તમે ટોયલેટ કરશો એટલે મર માગે એ પાછું નીકળી જશે મર સાથે. એટલે પહેલો પોઈન્ટ આ કરવાનો. બીજી ધ્યાન એ રાખવાનું કે જે લોકોને મર માર્ગે જે પાઇલ્સ થયા હોય છે એ થોડી ચામડી ખુલેલી હોય, નાની નાની લકોટી જેવું થાય. હવે આ જયારે તમે ટોયલેટ કરો છો એટલે પેલા જે પાઇલ્સ ખુલેલા હોય એ અડધા બહાર આવેલા હોય અને તમારો મર માર્ગ બંધ થઈ જાય, એટલે આ જે ફૂલેલા જે લકોટી જેવી જે ચામડી થઈ ગઈ હોય એ બહુ સેન્સિટિવ હોય. હવે જયારે અડધો પાઇલ્સ બહાર હોય અને તમારો મળમાર્ગ બંધ થઈ જાય એટલે એ દબાણમાં આવે અને ચામડી ખેંચાય અને ત્યાં ઇરિટેશન અને પછી બ્લીડિંગ થવાની સમસ્યા થાય છે. એટલે જે લોકોને પાઇલ્સ ની સમસ્યા હોય એ લોકો રૂનો કુમડાનો પ્રયોગ કરે. સાથે સાથે એ ધ્યાન રાખે કે જયારે ટોયલેટ કરો એ વખતે જે મસા બહાર આવ્યા હોય એને ધીરે રહીને આંગળીઓથી દબાવીને એને મળમાર્ગની અંદર ધક્કા મારી દેવાના, એ બહાર રહેવા ના જોઈએ અને પછી મળમાર્ગ બંધ થવો જોઈએ. આ ધ્યાન રાખવાનું છે તો આની તકલીફ ઓછી રહેશે. હવે બીજી વસ્તુ કે તીખી, તરેલી અને ખાટી આ 3 ચીજોથી બચવાનું જે લોકોને પાઇલ્સ ની સમસ્યા છે એ લોકોએ, તકલીફ નહીં પડે. અને 50% કાચું ખાવાનું રાખો તો ધીરે ધીરે શરીરની પિત પ્રકૃતિ ઘટશે તો બી પાઇલ્સ માં ફાયદો થશે. હવે હાથ હલાવો એટલે હું અહીંથી ફરીથી અનમ્યુટ કરું. હા, ડોબડિયા ભાવના બેન, હેલો, બોલો. હેલો, મારા હસબન્ડ ને છે ને કફ ને શરદી ની એલર્જી છે, એના માટે શું કરવાનું? કફ બહુ જ છે, શરદી ને એલર્જી, આ 3 વસ્તુઓ લોહીમાં વધેલો કચરો એના માટે જવાબદાર હોય છે. એટલે એમને કહો 1 દિવસ કે 2 દિવસ ઉપવાસ કરે, તરત કફમાં રાહત થઈ જશે. એમને ત્યાં સુધી ઉપવાસ કરવાનો કે એમની જીભ ખોલે તો જીભ સફેદ ના રહે. અત્યારે તમે જીભ જોશો તો એમની વ્હાઈટ વ્હાઈટ હશે. એમનો ઉપવાસ નિર્જલા ત્યાં સુધી કરવાની કે એમની જીભ સફેદ માંથી એકદમ કલર, સફેદ કલર નીકળી જાય, એકદમ ક્લીન થઈ જાય જીભ, ત્યાં સુધી ઉપવાસ કરવાનો. પછી 1 દિવસ થાય કે 2 દિવસ થાય અથવા 3 દિવસ થાય, બરોબર? 3 દિવસ ઉપવાસ તો પડે. હા, કઈ ના થાય બેન, એનીમાં લેવાનો. અને ચોમાસામાં તો અમે ખાવાનું હતું જ નથી, બરોબર? પ્રોડક્ટ ટોટલી બંધ કરાવી દો, ડેરી પ્રોડક્ટ બંધ કરાવી દો, બરોબર? એટલે એમને કફમાં તરત રાહત થઈ જશે. ઘર પણ બંધ કરાવી દો, ઘર્યું, ડેરી પ્રોડક્ટ આ બે બંધ કરો, 1 દિવસ ઉપવાસ કરો, એટલે એમની કફની તરત રિકવરી આવી જશે.
અને મારા પપ્પા છે ને એને હેમર થઈ ગયું છે તો એને વેજીટેબલ માં સૂપ બધું પીવડાવું. એ બધું અપાય પણ હેમરેજ થવાનું કારણ શું હોય કે હાર્ટ એટેક આવી ગયું. હા, બીપી બ્લોકે બ્લોકેજ હોય, લોહી જાડું થઈ ગયું હોય ત્યારે જ આ સમસ્યા થાય. એટલે એમને દૂધી દૂધી છાલ સાથે એનો રસ આપો. અમારા ત્યાં હૃદય અમૃત ટોનિક આવે છે, આ જે આદુ લસણ લીંબુ એપલ વિનેગર અને મધમાંથી બનાવેલું હોય છે, એ બબે ચમચી બે ત્રણ વાર એમને અડધા ગ્લાસ પાણી સાથે એક ગ્લાસ પાણી સાથે આપવાનું રાખો. એમનો કોલેસ્ટ્રોલ જે વધારે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ નું લેવલ ઘટાડવાનું, લોહી પાતળું રહેવું જોઈએ અને જે લોહીના ગઠ્ઠા થઈ ગયા છે એને ઓગાળવા પડે. તો એના માટે કાચા સાથે ખટાશ વધારે ખાવાની એમને આપો અને ગ્રીન આપવાનું રાખો અને આ વસ્તુઓ ખવડાવશો તો ધીરે ધીરે એમને આ બ્લોકેજ જે છે ઓછા થઈ જશે અને રિકવરી ફાસ્ટ થઈ જશે. અનાજ બિલકુલ બંધ કરાવી દો, કારણ કે અનાજ જરૂર વગરનું ખાઈએ છીએ. જેટલું અનાજ ખાઈએ છીએ એ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ કહેવાય અને કાર્બોહાઈડ્રેટ શરીરમાં જઈને જો મહેનતમાં વપરાય નહીં, શરીર શ્રમ ના કરે, તો એ બધો ચરબી બને અને એ ચરબી છેલ્લે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલમાં વધારો કરે. એટલે અનાજમાં લિટલ મિલેટ, તાંદરા, કુદરીને આવી ચીજો જ એમને આપો ખાવા અને અડધાથી વધારે કાચું આપો, લીલું આપો અને જે બ્લોકેજ ઘટાડે એવો આ લીવર ક્લિન્ઝિંગનો પ્રયોગ બી એમને કરાવી શકો. એના માટે અળસીનું તેલ બહુ સારું આવે છે. અળસીનું તેલ બ્લોકેજ કાઢે. એ કાચા અળસીના તેલને બબે ચમચી ત્રણ ચમચી દિવસ દરમિયાન સલાડ સાથે, ફ્રૂટ સાથે અથવા ફણગાયેલા સાથે અથવા ચટણી સાથે એમને જ્યુસમાં નાખીને પણ આપી શકાય તો એ બહુ બેનિફિટ કરે બેન. અમદાવાદ રહેતા હોય તો એકાદ વખતે સેન્ટર ઉપર આવીને મળી લેજો, તો ડિટેલમાં થોડી સમજ આપી દઈશું. બરોબર ભાવના બેન? પછી ભાનુ બેન, આપણી જોડે સમય ઓછો છે, ફટાફટ બે મિનિટ છે. ભાવના બેન અનમ્યુટ કરો, તમારો અવાજ નથી આવતો. હા બોલો. એક મિનિટ. હા નમસ્તે સર, હું ભાવના બેન ઓળખા જુનાગઢ થી. અમે 17 વર્ષથી ડાયટ સિસ્ટમ ફોલો કરીએ છીએ પણ હમણાં મને, હું અત્યારે હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા છું, પણ મને ગળાની તકલીફ થઈ ગઈ છે અને એ કંઈ પણ કરતા એમાં રિકવર નથી થતું. એટલે કફના કારણે છે? ના, ડોક્ટર એવું કીધું કે કફ છે પણ મને એટલું કફ નું અનુભવ નથી થતું. કફ મોઢામાં ગળામાં ન દેખાય બરોબર, પણ એ મૂળ તો શરદીના વાયરસ જ હોય અને કફ વધે એટલે જ થાય. તો કફ ને ઘટાડવા દૂધ, ચા, કોફી ટોટલી બંધ કરી લો, કાચામાં ખટાશ ખાઓ, ગળપણ બંધ કરી નાખો અને શક્ય હોય તો ઉપવાસ કરી દો એક બે દિવસ, એટલે તરત તમને રિકવરી આવી જશે બેન. એક મિનિટ સર, મને છે ને એસિડ રિફ્લેક્સ ના લીધે વોકલ કોર્ડ માં સોજો છે, બીજું કઈ નથી. હા તો વોકલ કોર્ડ માં તમે કાચામાં ખટાશ ના ખાશો, બસ ગળ્યું બી ના ખાઓ, ખાટું બી ના ખાઓ અને તીખાશ બી ના ખાશો, એ સિવાયનું કાચું ખાવાનું, તો તમને તકલીફમાં જલ્દી રાહત થઈ જશે. અને ઉપવાસ ઉપર વધારે રહો, ઉપવાસ વધારે. અને પણ ડોક્ટરે બોલવાની ના પાડી, સાવ કે બોલવાનું. આરામ કરો, આરામ કરો, નહીં બોલો. મસલ્સ ને થોડો રિલેક્સ થવા દો, આરામ આપો અને ઉપવાસ કરો. ઉપવાસ સાથે મૌન વ્રત બી કરી લેવાનું, બંને કામ કરી લેવાના, ખોરાક બી નહીં આલવાનો અને બોલવાનું બી નહીં. બરાબર? તો પાણી વધારે પીવું કે ચા કોફી નથી વધારે એનિમલ